हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से इस नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 7वां देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताया हूँ, प्रश्न 6वां। उस प्रश्न 6वां का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, ताकि ऐसा ही क्वेश्चन 6वां भी है। यदि आप लोग 6वां क्वेश्चन को देख लोगे तो ये 7वां क्वेश्चन भी आप लोगों से अच्छा से बनेगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। राइट हैंड साइड में क्या करना है, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर हल लेफ्ट हैंड साइड को लिख दूँ। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये मैंने राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जिंदगी में आए, कहीं कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लास के हो आप लोग, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग एलसीएम लेकर ही बनाना, लघुत्तम समापवर्तक लेकर बनाना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाते हैं समझते हुए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप लोग पिछले क्लास में ही ऐसे क्वेश्चन को पढ़े होंगे, एलसीएम लेना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तो इसका देखिए मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ कर दो और 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा के साथ कर लो। कई लोग इसको तिरक गुणा बोला जाता है या फिर बोलते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। देखो, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करो, तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा के साथ करो, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, केवल अभी मैं मल्टीप्लाई किया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग। ठीक है, अपान देखिए इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ। ठीक है, देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, तो 1 के साथ करने पर आ जाता है साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसका सूत्र होता है त्रिकोणमिति फॉर्मूले का सूत्र होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग है, तो एक बीजगणितीय सूत्र आता है। मैं सूत्र को लिख देता हूँ ताकि उसे रिलेट करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर ही मैं सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b2। बस इसी से रिलेट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मत ठीक है, तो रिलेट करो। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग दिया है। यहाँ पर रिलेट करो, a का मान 1 है और b का मान कॉस थीटा है, तो इसमें रख कर एक बार देख लेते हैं। a का वर्ग 1 का वर्ग हो गया, 2 a का मान 1 है और b का मान कॉस थीटा है, यहाँ पर रख रहा हूँ, प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस का वर्ग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, इस सूत्र में मैं मान को रख के इसको हल कर रहा हूँ, तो 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2ab मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 cos थीटा प्लस आ जाएगा cos² थीटा। ठीक है, केवल इसी इक्वेशन को बस सॉल्व किया, 1 प्लस cos² थीटा को, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, 1 प्लस 2 cos थीटा + cos² थीटा। बस इसी को यहाँ पर पुट कर लो, फिर नेक्स्ट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos² थीटा का अभी जस्ट हम लोग हल किए, तो क्या लाए, 1 प्लस 2 cos थीटा + cos² थीटा, 1 प्लस 2 cos थीटा + cos² थीटा। अपान में क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक और सूत्र है जो कि इसको भी आप लोग जानते होंगे, याद किए होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
सूत्र को लिखते जाना ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आए, कहीं पर दिक्कत ना हो। और आप लोग एग्जाम में लिखोगे आएगा, और सूत्र को आप लोग वहाँ पर बताओगे, प्रदर्शित करोगे, तो उसे चेक करने वाला अच्छा मानेगा और उसको आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर देगा। तो एक बात याद रखना, सूत्र याद है तो आप लोग सूत्र को अवश्य लिखने की कोशिश करना, फिर बनाते जाना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सूत्र क्या यूज होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है जी, एक होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके मान को पुट करने पर, चलिए पुट कर लेते हैं, वन प्लस, देखिए इन दोनों का मान क्या है, एक है, रख दिया वन प्लस। अब बचा क्या, वन प्लस टू कॉस थीटा अपान में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, एक और एक को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, दो प्लस टू कॉस थीटा अपान। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था, पुनः यहाँ से आप लोग साइन थीटा को कॉमन निकाल लो, उभयनिष्ठ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा को कॉमन निकाला तो इसके जगह में एक आ गया, प्लस क्या बचेगा कोष्टक में, वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकल गया तो यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा। अब पुनः देखो अंश में क्या कॉमन निकल रहा है, दो, ठीक है, दो को कॉमन निकाल लो, दो कॉमन निकला, वन प्लस क्या बच जाएगा, कॉस थीटा अपान क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए अंश और हर को, है ना, वन प्लस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा दोनों कट गया, है ना। अब क्या बचा, दो अपान साइन थीटा, दो अपान साइन थीटा। और मैंने फार्मूला वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वन अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा, वन अपान साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, दो गुड़ा वन अपान साइन थीटा, तो इसका जो फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो दो गुड़ा कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, गुड़ा को हटा देता हूँ, तो दो इंटू कोसेक थीटा, यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल दो कोसेक थीटा, देखिए हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया, ठीक है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करो ऐसा क्वेश्चन को पढ़ते हो तो, ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते, है ना, नोट्स तैयारी करो, ताकि आप लोगों को भविष्य में इसको एग्जाम की तैयारी करोगे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो यदि पेन और कॉपी नहीं पकड़े होगे तो, और पेन और कॉपी पकड़े होगे तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।